हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। से सोशल मीडिया के ऊपर एक बात जो बहुत ज्यादा वायरल जा रही है कि जो नीट 2025 होने वाला है वो साल में दो बार होगा जेई की तरह, और वो ऑनलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा, जैसे JEE का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है ऑनलाइन। तो हम इस चीज के ऊपर मैं आपको सारा कुछ जो है वो क्लियर कर देता हूँ, क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल भी है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 2 मिनट में आपको फटाफट जो है क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। बहुत सारे बच्चे जो है वो इस टाइम पे कंफ्यूज बैठे हैं कि एक्चुअल में सच में वैसा एग्जाम होने वाला, तो हम अपनी प्रेपरेशन जो है वो कैसे करेंगे। तो मैं सारा कुछ आपको क्लियर कर देता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल जो है वो इसके ऊपर लिखा गया था, जिसमें ये बोला गया था कि एनडीए को एक सुझाव दिया गया था कि आपको भी जो है वो JEE की तरह ऑनलाइन एग्जाम जो वो कंडक्ट कर लेना चाहिए, जिसमें आपको पता है कि वहाँ पे जब से भी JEE ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो उसमें कोई भी गलतियां नहीं हुई है, कुछ भी हमें ऐसा वैसा जो वो देखने को नहीं हुआ है, देखने को नहीं मिला है, और एग्जाम हमारा जो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो जिसकी वजह से एनटीए को सुझाव दिया गया था कि आपको भी जो नीट का एग्जाम है वो ऑनलाइन कर लेना चाहिए, ताकि हम इस तरह की गड़बड़ी से क्या कर सके जो है वो बच सके। और साथ ही साथ यूएस में एक सैट का एग्जाम होता है, जो कि उसके ऊपर भी सुझाव दिया था कि जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है सैट के बारे में, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, यूएस में एग्जाम होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम होता है, वो बहुत टफ उसमें लिखने वाला एग्जाम होता है, जबकि नीट जो होता है वो हमारा MCQ टाइप होता है। तो सैट के साथ उसको कंपेयर किया गया था, यूएस में सैट एग्जाम होता है बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जाम होता है, तो आपको भी क्या कर लेना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, इस तरह से उनके बारे में जो वो लिखा गया था। लेकिन एट द लास्ट जो कंक्लूजन की बात करें, देखो बच्चों ये सिर्फ एक सुझाव दिया गया था, नीट एनटीए की तरफ से इस तरह की कोई भी अभी अपडेट नहीं आई है कि नीट 2025 का एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर फेसिस में कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि नीट के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो अपियर्ड होते हैं। इस बार जैसे कि आपको पता 23-24 लाख बच्चों ने एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन की थी, तो आने वाले टाइम में ये 26-27-28 लाख तक भी जो है रजिस्ट्रेशन जा सकती है। तो बहुत ज्यादा जो है बच्चे बढ़ रहे हैं नीट के अंदर, तो अगर बच्चे बढ़ेंगे तो उनका अरेंजमेंट दोबारा दो दो टाइम, अगर फेसिस में होता है 2 बार अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 2 बार टीचर्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, सेंटर्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, एग्जाम्स 2 बार लाने पड़ेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे लॉट्स ऑफ वर्क जो है वो करना पड़ेगा, जो कि अभी इतनी फिलहाल के लिए जल्दी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो नीट 2025 के एग्जाम के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर करें तो वो अपने इस चीज से कंफ्यूजन निकाल दें, और अपने मन से टेंशन जो है उसको छोड़ दें दिल से, कि आपको जो एग्जाम है वो इस तरह से होना, जिस तरह से पहले आपके एग्जाम होते चले आ रहे हैं, आने वाला 2025 का एग्जाम भी जो आपका वैसा ही होगा। तो आई होप आपको अब ये सारी की सारी कंफ्यूजन जो क्लियर हो गई थी। ये सिर्फ एक आर्टिकल लिखा गया था, आर्टिकल के ऊपर जस्ट एक सुझाव दिया गया था, ऑफिशियल अपडेट इसमें से कुछ भी नहीं आई है एनटीए की तरफ से कि आपका एग्जाम ऐसा होगा या वैसा होगा। तो जैसा एग्जाम आपका चलता आ रहा है अभी फिलहाल के लिए, आपका एग्जाम जो वो वैसा ही होगा। सो आई होप आपका आपकी सारी की सारी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होगी होगी। बाकी इसी तरह की नीट के रिलेटेड, एनटीए के रिलेटेड, एडमिशन के रिलेटेड, कट ऑफ के रिलेटेड सारे की सारी वीडियोस पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सारे की सारी वीडियोस आपका भाई आप तक इजिली जो है वो पहुंचा सके। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बचता है, कोई क्वेरी बचती है, आप भी ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके जो है पूछ सकते हो।